नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी देख रहे थे कैमरा 1999। रोड पर आप और हम सभी निकलते हैं, कोई दो पहिया वाहन लेकर निकलता है, कोई चार पहिया वाहन लेकर निकलता है, और ऐसे में हमारी छोटी सी गलती हमें एक चालान का तोहफा देती है। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस की नज़र काफ़ी तेज होती है और आपकी एक छोटी सी गलती कहीं ना कहीं भारी पड़ जाती है और आपको हजारों का चालान घर आ जाता है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में तमाम जगह पर ऐसे अब वर्तमान समय में कैमरे लगा दिए गए हैं, जिसको देखकर वहां से बैठे संबंधित अधिकारी एक बटन से आपका चालान आपको घर भेज देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि आप अपनी गाड़ी घर से कभी निकाले ही ना और आपकी गाड़ी का चालान बार बार होता रहे? ऐसा संभव होता है। ऐसा कभी कभी संभव तब होता है जब अधिकारी चालान करते समय गलती कर देते हैं। लेकिन ये गलती एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, लेकिन जब यही चीज़ बार बार हो तब किसी न किसी को शक पड़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ जब एक युवती ने चालान से बचने के लिए अपनी स्कूटी का नंबर दूसरी गाड़ी की स्कूटी के नंबर से रिप्लेस कर दिया और वह फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमती रही। क्या है पूरा माजरा हम आपको दिखाएंगे इस स्टोरी में। ट्रैफिक नियमों से बचने के लिए लोग क्या क्या जुगाड़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी यह जुगाड़ उनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं और यह जुगाड़ उन्हें सलाखों के पीछे पहुँचाने का भी काम करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला लखनऊ से सामने आ रहा है, जहाँ चालान से बचने के लिए एक युवती ने ऐसा कारनामा कर डाला जो अब सोशल मीडिया की खबरों में छाया हुआ है। हम आपको बता दें कि राजधानी के लगभग हर एक चौराहे पर कैमरों से ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों को तोड़ने वालों का दनादन चालान कर रही है। चालान से बचने के लिए ठाकुरगंज के हुसैनाबाद रामगंज की रहने वाली अलीशा बबली बनकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही। अपने मोहल्ले में रहने वाली विदिशा नामक एक युवती की स्कूटी का नंबर उस युवती ने अपनी स्कूटी में डलवा लिया। ट्रैफिक नियम अलीशा तोड़ती रही और चालान विदिशा के घर पहुंचता रहा। इस सबसे परेशान होकर विदिशा के पिता ने पुलिस में शिकायत भी की। अलीशा की गाड़ी का हर माह करीब 2 से 3 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान होता था। इसका मैसेज विदिशा के पिता के मोबाइल पर जा रहा था। पिता ने विदिशा से पूछा कि गाड़ी अगर निकल नहीं रही तो चालान कैसे हो रहा। आए दिन चालान का मैसेज आने से वह परेशान हो जाते थे। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से मामले की शिकायत की, जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर 8 सदस्यीय ट्रैफिक पुलिस की टीम गठित की गई। टीम गाड़ी को करीब 1.5 साल तक तलाश करती रही पर सुराग नहीं लगा। इसके बाद विदिशा के पिता ने बीती 15 जनवरी को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं हम आपको बता दें कि इस मामले में जो अब तक की अपडेट आ रही है उसमें ठाकुरगंज पुलिस ने मंगलवार को बंधा रोड से अलीशा को स्कूटी समेत गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस पूरे मामले की जानकारी सामने आई, जिसमें पुलिस सूत्रों के मुताबिक अलीशा ने लॉकडाउन के दौरान यानी कि जून 2020 में विदिशा की गाड़ी का नंबर अपनी स्कूटी में डलवाया था। तो दोस्तों, देखा आपने कि चालान से बचने के लिए इस युवती ने कितना भयंकर जुगाड़ लगाया, और यही नहीं, पुलिस को इस युवती को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। और अगर सूत्रों की माने तो पुलिस को इस मामले की छानबीन करने में लगभग 1.5 साल लग गया, और उसके बाद जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सभी लोग चौंक गए। आपको कैसा लगा? और वैसे हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि रोड पर चलते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, मात्र चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन की रक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना आपकी और हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। धन्यवाद।